अयोध्या में ढांचा विध्वंस के 28 साल पुराने मामले में बुधवार को फैसला आ गया। मामले में सीबीआई की अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। वहीं फैसले को लेकर गोरखपुर पुलिस भी हाई अलर्ट पर रही। गोरखनाथ मंदिर सहित शहर के कई प्रमुख स्थानों पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई। साथ ही सीओ कोतवाली और सीओ गोरखनाथ के नेतृत्व में ड्रोन टीम भी सक्रिय रही और संवेदनशील स्थानों की निगरानी की गई। सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने के लिए रिजर्व पुलिस लाइन और थाने में फोर्स को रिजर्व में रखा गया था। वहीं उपद्रवियों से निपटने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया था। पुलिस ने मौके का गलत फायदा उठाने वालों को पहले ही पाबंद कर दिया था। ऐसे लोगों से साफ कहा गया था कि अगर शांति में खलल होगी तो इसके लिए वही जिम्मेदार माने जाएंगे। इस संबंध में एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि शहर में 90 चौराहे पर पुलिस पिकेट लगाई गई, कुछ और चौराहों पर फोर्स लगाई गई थी। पीएसी को भी रिजर्व रखा गया था। संवेदनशील इलाकों की ड्रोन कैमरों से निगरानी कराई गई। सीओ अपने सर्कल में तो थानेदार और चौकी इंचार्ज अपने इलाकों में भ्रमणशील रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा, नहीं, कप्तान साहब के निर्देशानुसार नगर क्षेत्र में लगभग 90 बिंदुओं पर पिकेटिंग की गई है तथा सभी थानों में रिजर्व फोर्स भी बनाई गई है ताकि अगर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के प्रतिक्रिया में अगर कहीं पे भी किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है तो पुलिस त्वरित और मजबूती से उसे निपट सके। और इसमें ADM सिटी साहब तथा मेरे द्वारा संयुक्त रूप से मजिस्ट्रेट्स और थाना प्रभारियों तथा क्षेत्र अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि किसी भी स्थिति में तत्काल वहाँ पुलिस और मजिस्ट्रेट्स ही पहुँच सकें।